आज हम बात करेंगे रैंक नलिटी थ्योरम ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस चाहिए, ठीक है। इफ UF हमने ले लिया कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, T कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो UF से लेके VF तक जा रही है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर फ्रॉम वेक्टर स्पेस UF टू वेक्टर स्पेस VF। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। देन हम ये कहते हैं कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, ठीक है। अब ये जो यू है ये हमारे पास क्या है, डोमेन, ये हमारे पास क्या है, डोमेन, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास क्या है जो जनरली हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे, दैट इज रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, ठीक है। ये रिजल्ट सबसे ज्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट। नाउ इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा, हाउ बी फॉर द नलिटी मैन बेसिस के फॉर्म में लिखे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, राइट। नाउ दिस कैन बी एक्सटेंडेड, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, टू फॉर्म द बेसिस ऑफ यू। नल्टी के अंदर मैंने और फॉर्म्स डाल दी, ठीक है, और मैंने लिखे यू यानी कि बेसिस किसके लिए, यू के लिए, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, एक्सटेंड किया तो ऐड किया बीटा वन बीटा टू बीटा एम, राइट। इट कैन बी, अब फिर हमने एक बी सेट को लिखा टी बीटा वन यानी कि इस पॉइंट पे ट्रांसफॉर्मेशन टी एट बीटा टू टी एट बीटा एम, राइट। टू प्रूव बी इज एल आई हमने क्या प्रूव करना है कि जो बी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यानी कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म के अंदर लिखना पड़ेगा, राइट। लेट सी वन टी एट बीटा वन सी टू टी एट बीटा टू एंड सो ऑन अप टू सी एम टी एट बीटा एम इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल जीरो दैट जीरो, ये जो हमारे पास जीरो है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, वी से, ठीक है। वट डज दिस इम्प्लाई, टी सी वन बीटा वन, क्योंकि हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल्स टू जीरो, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू वी। नाउ ये जीरो के इक्वल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नल्टी, नल्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वन बीटा वन सी टू बीटा टू सी एम बीटा एम बिलोंग्स टू नल्टी, ठीक है। और अगर ये नल्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो नल्टी के लिए हमने बेसिस लिए थे अल्फा वन अल्फा टू अप टू में अल्फा एन, व्हाट डज दिस इंप्लाई, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा, सी आई बीटा आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए जे अल्फा जे विच बिलोंग्स टू नल्टी, समेशन जे इज इक्वल टू वन टू एन एंड I इज इक्वल टू वन टू एम, बिकॉज ये m तक चल रहा है और वो हमारे पास क्या चला था, n तक चला था। इसके बाद इसको इधर ले आइए, सी आई बीटा आई माइनस ए जे अल्फा जे, जे इज इक्वल टू वन टू एन आई इज इक्वल टू वन टू एम इक्वल्स टू जीरो, वट डज दिस इम्प्लाई, सी आई जो है वो यहाँ से जीरो होगा फॉर ऑल i के लिए और जो ए जे है वो भी हमारे पास जीरो होगा फॉर ऑल जे के लिए। क्यों, क्योंकि ये और ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, बेसिस, दीज फॉर्म
बेसिस, और बेसिस के लिए दो कंडीशन होती हैं, एलआई एंड स्पैन। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बेसिस क्या होता है, ठीक है। एलआई के लिए हमारे पास क्या होता है, सारे कोफिशियंट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, जीरो। तो इस वजह से सी आई इज इक्वल टू जीरो एंड ए जे इज इक्वल टू जीरो। वट इज दिस इम्प्लाई, जो कंप्लीट भी हम लेके चले थे ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमने उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट तो प्रूफ कर दिया, अब हमें प्रूफ करना है कि वो स्पैन है किसका, रेंज का। टू प्रूफ दीज स्पैन ऑफ आरटी, यानी कि रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैंने बीटा बेसिस उठाया, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, टी ऑफ अल्फा, फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू यू। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, किसी भी ए आई सी जे के लिए ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू टी, आई की वैल्यू वन से एन, ए आई अल्फा आई प्लस में जे इज इक्वल टू वन टू एम सी जे बीटा जे, जस्ट चेंजिंग ऑफ वेरिएबल। बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो टर्म है अल्फा वाली, ये तो हमारे पास नल्टी से बिलोंग करती है। अगर नल्टी से बिलोंग करती है तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये चीज बच गई, बिकॉज नल्टी में क्या होता है, वो एलिमेंट जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन जीरो जाए। व्हाट डज दिस इंप्लाई, ये आ गया हमारे पास जे इज इक्वल टू वन टू एम सी जे, ये टी अंदर चला जाएगा, टी बीटा जे। ये किससे बिलोंग कर गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी से, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी से बिलोंग कर गया। व्हाट डज दिस इंप्लाई, बी इज बेसिस ऑफ आर्ट, क्योंकि हमने स्पैन भी प्रूफ कर दिया और हमने एल आई भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। अगर ये बेसिस है तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ आर्ट कितनी है हमारे पास, एम, विच इज इक्वल टू रैंक, उतना ही हमारे पास रैंक होगा ट्रांसफॉर्मेशन का। और जो नल्टी है उसकी हमारे पास है एन, ठीक है। नाउ व्हाट इज डायमेंशन ऑफ यू, यू की डायमेंशन कितनी है, एम प्लस एन, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीजें हमारे पास लाई करती हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ यू कैन बी रिटन एज नल्टी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां से हमें ये रिजल्ट मिल गया जो हम मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नाउ एक है हमारे पास और रिजल्ट कि जो रेंज ऑफ टी है वो हमारे पास क्या होती है, सबस्पेस होता है, ये हम कर चुके हैं, ऑफ वी, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा जो इसका रैंक रहेगा दैट इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, या तो उसके इक्वल या उससे छोटा, और जो रैंक होता है दैट इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ एंड ऑल्सो जो रैंक है टी का लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, एक रिजल्ट ये होता है। जनरली हम मोस्टली क्वेश्चंस में इस वाले रिजल्ट को यूज करेंगे, राइट। तो हमारे पास आज का रिजल्ट रहा डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू नल्टी प्लस रैंक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट theorem which we will use. Now subscribe my channel for the more useful videos. Thank you.